उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद ही अजीब गरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शादी इसलिए टूट गई क्योंकि दूल्हा 20-20 के नोट नहीं गिन सका, जिसके बाद दुल्हन ने दूल्हे को अनपढ़ गवार बताकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मामला बामपुर गांव का है। यहाँ के राम बहादुर ने अपनी बेटी की शादी इटावा के भरथना में तय की थी। बारात जब भरथना पहुंची तो सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन जयमाला के दौरान दुल्हन को कुछ शक हुआ और उसने दूल्हे को 20-20 के नोट गिनने के लिए दे दिए, लेकिन वह दूल्हा नोट नहीं गिन सका, जिसके बाद दुल्हन ने तुरंत ही शादी करने से इनकार कर दिया और उसकी इस हिम्मत और समझदारी को उसके परिवार और रिश्तेदारों ने भी सराहा। दरअसल दुल्हन को पहले ही पता था कि दूल्हा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने यह बात अपने परिवार से छिपा रखी थी क्योंकि वह सबके सामने सच्चाई लाना चाहती थी, जिसके लिए उसने दूल्हे को सबके सामने नोट गिनने के लिए कहा और जब दूल्हे ने नोट नहीं गिने तब यह बात सच हो गई। दुल्हन के भाई ने बताया कि दूल्हा 20 रुपए के नोट ही नहीं पहचान पाया, ऐसे में शादी करनी मुश्किल थी। दुल्हन ने कहा कि जिस लड़के को नोट का नहीं पता उसके साथ मैं कैसे जी सकती हूँ, शादी के बाद बहुत सारी परेशानी आती, इससे अच्छा हुआ कि समय रहते ही पता चल गया। इस घटने के बाद दूल्हा और बराती काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए। उनका कहना था कि बारात आ गई थी तो शादी हो जानी चाहिए थी। वहीं यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग इस बारे में अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों ने दुल्हन के फैसले को सही ठहराया तो कुछ लोगों ने कहा कि दूल्हे के साथ गलत हुआ है। बारात इसलिए बात है कि उसको जब पैसे गिनने नहीं आ रहा है तो बारात किस लिए बात करें? अच्छा, पैसा नहीं गिन पाया था। ओ, पैसे ही नहीं गिन पाया, फिर उसे पता ही नहीं है कुछ तो काज ऐसी शादी करते बहन की अपनी, जब भाई 20 को नोट नहीं पता है तो कहा करे वो? आप कौन है? भाई हैं इसके बड़े।